नमस्कार दोस्तों, अर्लीवुड पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर कर लेना और आप लोग आपके जो फ्रेंड्स लोग होंगे वो उनका भी दिल खुश हो जाएगा। गुड न्यूज़ हम बताएंगे इस वीडियो में और आपको एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जहाँ पर आपको हंसी आ जाएगा, आप हंसी रोक ही नहीं पाओगे। अब यदि आपकी हंसी रुक जाएगी तो मुझे बता देना और कमेंट करके, और यदि आप खुश हो जाओगे इस गुड न्यूज़ को सुन के तो वीडियो को लाइक कर देना तुरंत, ठीक है, और वीडियो को तुरंत शेयर कर लेना ताकि उनका भी दिल खुश हो जाए, उनको भी हंसी आ जाए, ठीक है। तो अब बात करते हैं ऐसी कौन सी न्यूज़ आ गई है जिनसे कि हंसी आ जाएगी और दिल भी खुश हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले चलो जैसा कि आपने वीडियो थंबनेल में देखा, गुड न्यूज़ क्या है क्वेश्चन मार्क, दिल खुश भी हमने लिख दिया है। सभी बैंक लोन, NBFC कंपनीज, मोरेटोरियम, रीस्ट्रक्चरिंग, इन्हीं से रिलेटेड है जो बैंक वाले बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रहे थे, ठीक है। 1 सितंबर से हम ये लागू करेंगे, वो लागू करेंगे, तो अब देखिए उसका कैसे हंसी निकलती है, वो भी परेशान है और सब परेशान है। तो चलो सबसे पहले दोस्तों टाइम चेक कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पे तो आप टाइम भी देखते ही हो ना, ठीक है, टाइम भी मिलाना सीख लिए हो, अब तो टाइम का भी वैल्यू दोगे तभी ना टाइम देखोगे। ये देखो करंट टाइम कितना हो रहा है, 5:24 हो रहा है और 12 अगस्त है। वीडियो को पूरा देख लेना, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। इस वीडियो को नहीं देखे ना पूरा तो फिर तुम समझ लेना, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा ही नहीं तुम आप लोगों के लिए। अब चलो देखो अब क्या है दोस्तों, ये न्यूज़ देख, एक तो हमने सबसे पहले क्या बताया था, 60 दिन का टाइम मिलेगा अब स्टैंडर्ड अकाउंट, यदि आपका है स्टैंडर्ड अकाउंट का मैक्सिमम टाइम होता है 90 डेज, उनमें से अब यदि आपका 60 दिन तक आपने पे नहीं किया है, डिफ़ॉल्ट है 60 दिन का, तो आपको रीस्ट्रक्चरिंग मिलेगी, ठीक है। यदि आपका 60 दिन अब रहेगा, 60 दिन का डिफॉल्ट है तो भी मिलेगा। ये तो हो गया पहला गुड न्यूज़, ठीक है। यानी बैंक वाले भी परेशान हैं और इन्होंने रिकमेंडेशन भेजा है RBI को, RBI की जो कमेटी है उनको। अब दूसरा गुड न्यूज़ क्या है, दूसरा गुड न्यूज़ ये देखिए, दूसरा गुड न्यूज़ ये है दोस्तों, PNB का जो चीफ है, इन्होंने PNB चीफ कॉल्स फॉर चेंज इन RBI लोन रीस्ट्रक्चरिंग, यानी ये पंजाब नेशनल बैंक को ये RBI की जो रीस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी है इनको पसंद ही नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो यदि आप मॉरेटोरियम दो तो भी बैंकों को पसंद नहीं है, आप रीस्ट्रक्चरिंग दो तो भी पसंद नहीं है, तो फिर पसंद क्या है भाई साहब, पसंद क्या है। जब ये भी देते हैं, आप देते हैं तो भी नहीं लेते हो, अब जब लेते हैं तो भी नहीं देते हो, तो फिर क्या करें, फिर कस्टमर क्या करें बताओ, कस्टमर क्या करेंगे, ग्राहक जिन्होंने लोन ले रखा है, समझ में आएगी बात, ये हंसी वाली बात नहीं है। अब देखो इससे भी बड़ी हंसी अभी आएगी, आने वाली है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक रिपोर्ट है NDTV प्रॉफिट का, NDTV का मालूम ही होगा, इन्होंने क्या कहा है, लोन रीस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल टू प्रोलोंग बैंक्स बैड लोन अनसर्टेनिटी। इसका मतलब क्या हो, ये कौन बोल रहा है, ये रेटिंग एजेंसी है फिच भी एक बहुत बड़ी ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज हैं जो बैंक NBFC फाइनेंस कंपनी को रेटिंग देती हैं, ठीक है। जैसे आप लोग इंडिविजुअल हो तो आप कहाँ से निकालते हो अपनी रेटिंग यानी सिबिल स्कोर, वो निकालते हो आप क्रेडिट सिबिल से, ठीक है। ठीक उसी तरह से बैंकों को भी तो रेटिंग देती है ना, और इनका जो पूरा का पूरा मार्केट है इसी रेटिंग पे डिपेंड करता है, यदि रेटिंग डाउन तो पूरा मार्केट ही डाउन। तो अब वो बाद की बात है, अब बात करते हैं इसमें, ये देखिए रीस्ट्रक्चरिंग बोल रहा है, ये लंबा घाटे का सौदा है ये, ठीक है। रेटिंग एजेंसी बोल रही है जो लोन रीस्ट्रक्चरिंग है ये तो 2 साल तक का, ये आखिर क्यों बोल रहा है, ये बहुत लंबे समय का नुकसान है ये, क्योंकि RBI ने बोला ये हम देंगे 2 साल तक आगे आपको ले जा सकते हो मैक्सिमम, यदि आप किसी भी लोन को 2 साल तक आगे खींचेंगे और EMI कम हो जाएगी तो वो तो बैंकों के लिए तो नुकसानदायक ही होगा ना, बैंकों के लिए नुकसानदायक होगा, ग्राहक खुश हो जाएंगे, कस्टमर खुश हो जाएंगे, और जो कस्टमर जेन्युइन है उसको तो मिलना ही है रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, क्योंकि उनके पास तो अकाउंट में दिखाने के लिए क्या, अकाउंट ही काफ़ी है, क्योंकि उनके अकाउंट में पैसे ही नहीं है। और आप लोग चिंता क्यों कर रहे हो, बैंक वाले खुद इधर से भी फंसेंगे उधर से भी फंसेंगे, ठीक है, उसको देना ही है, उसको ज़्यादा लोन NPA में दिखाना नहीं है तो फिर क्या करेंगे, उसको हार के उसको वही खाना पड़ेगा, रूखा सूखा ही खाना पड़ेगा उसको, वही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। अब आप लोग खुश हो जाओ, जो अभी जो है हो सकता है कुछ ना कुछ गुंजाइश बन जाए, जो मॉरेटोरियम, अच्छा ये जो मॉरेटोरियम एक्सटेंशन वाली बात है, जो करंट वाली मॉरेटोरियम चल रही थी ये मॉरेटोरियम एक्सटेंड नहीं हुआ है, लेकिन नया मॉरेटोरियम है जो वो ये पुराने वाले जो अभी चल रही थी इनसे भी बड़ी एक तरह से समझो तो राहत ही है, बहुत बड़ी राहत ही है वो,
ठीक है, क्योंकि इसमें तो आपको सभी लोग बिना डॉक्यूमेंट के भी ले लेते थे मॉरिटोरियम, लेकिन ये वाली जो है इसमें तो आप यदि दिखा भी दोगे ना अकाउंट स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, आप जॉब नहीं करते हो इतने दिन से बैठे हो, सिर्फ अकाउंट स्टेटमेंट, तो हो सकता है आपको अकाउंट स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, ये सब वगैरह वगैरह, तो आपको वहाँ पर मॉरिटोरियम या रीस्ट्रक्चरिंग मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन इनसे क्या है, इनसे बैंकों का ही नुकसान है, बैंक ही घाटे में है, ठीक है, और ग्राहक तो कस्टमर तो परेशान है ही बेचारे, हम लोग सभी परेशान हैं ही। तो ये दो को देख लिए ना, दोनों गुड न्यूज़ है ना, तीन गुड न्यूज़ हो गया। एक PNB चीफ वाले भी बोल रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक का जो मैनेजिंग डायरेक्टर MD एंड CEO है मल्लिकार्जुन राव, ठीक है, ये भी परेशान है, इन्होंने भी RBI को भेजा हुआ है जो भाई साहब सर जी आप जरा इसको जरा ठीक ठाक कीजिए, आप इनको पॉलिसी को जरा सही कीजिए। दूसरा ये है जो फिच जो रेटिंग एजेंसी है उन्होंने बोला है जो यदि लॉन्ग टर्म में ये घाटे का सौदा है बैंकों के लिए क्योंकि लोन रीस्ट्रक्चरिंग होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया तीसरा गुड न्यूज़ क्या है, तीसरा ये है जो पहले आपको 30 दिन का टाइम मिलता था अब आपको 60 दिन का टाइम मिल रहा है आपको डिफॉल्ट के केस में, ठीक है। 60 दिन तक यदि आपने पे नहीं किया है तो आपको रीस्ट्रक्चरिंग और मॉरिटोरियम मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को शेयर कर लीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए, आप लोग हमें गाली भी दोगे तो भी वीडियो लेके आएंगे, नहीं भी गाली दोगे तो भी लेके आएंगे, ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये अर्लीवुड है, अर्लीवुड हर चीज़ आपके दिल की बात को समझता है, इसलिए हम वो छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। चलो अब दोस्तों इस वीडियो में इतना, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर कर लेना यार सभी फ्रेंड्स लोगों